अगर आगे भी ये मांग पूरी नहीं हुई तो पूरे गुलबर्गा के यूनिवर्सिटी वाले बच्चे सड़क पे उतर के इससे भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि इसके अलावा बच्चों के आगे कोई भी चारा नहीं है। अभी तक ओनली फर्स्ट डोज का ही सिर्फ 38% ऑफ वैक्सीनेशन हुआ है। दूसरी बात यह है कि और सेमिस्टर का जो पुराने सेमिस्टर का जो एग्जामिनेशन है उसे कैंसिल कर देना चाहिए। पढ़ाई के बारे में तो भरोसा किसी को रहा नहीं। अब कुछ यूनिवर्सिटी करेंगे तो सारे बच्चों को पढ़ाई के बारे में बोल सकेंगे, वरना सारे बच्चों को पढ़ाई से भरोसा उठ जाएगा। आज जो प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के सामने, आप सभी जानते हैं लगातार डेढ़ महीनों से प्रोटेस्ट जारी है। हमारी मांग है जो डिग्री बच्चे हैं, जो पीजी में पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा रहने दीजिए, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, इन सारे बच्चों की पूरी सभी बच्चों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है गुलबर्गा यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट की फैसलों की वजह से। आप देख रहे थे पिछले जो लॉकडाउन की वजह से थर्ड सेम ऑलमोस्ट वहीं पर रोक के फोर्थ सेम को ऑनलाइन कैसे शुरू किया गया था, पर अब ये लोग थर्ड सेम का एग्जामिनेशन भी अभी कंडक्ट करेंगे और फोर्थ सेम का भी अभी कंडक्ट करेंगे, ये डिसीजन है इनका। आप ही थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए कि वैसे भी अभी बच्चे बोल रहे थे ऑनलाइन कैसे कोई भी अटेंड नहीं कर पाए हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है, स्मार्टफोन तक नहीं है, मेनी कॉजेस आर देयर, तो इसीलिए क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए थे। ऐसे टाइम पे आप थर्ड सेम का भी याद रख के अब फोर्थ सेम का लेके दोनों एग्जामिनेशन बहुत कुछ एक ही महीनों के अंदर दोनों सब्जेक्ट, मतलब 16 से ज्यादा सब्जेक्ट आपको लिखने पड़ेंगे, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं हो पाएगा, ये अटरली अनसाइंटिफिक है। तो इसीलिए AIDSO स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन लगातार मांग करती आ रही है, सारे मंत्रियों को हम मेमोरेंडम दे चुके हैं, CM को तक मीट कर चुके हैं, यहीं पे यूनिवर्सिटी में कितना प्रोटेस्ट हुआ था बहुत बड़ा, तब भी बोले थे कि हमारी तरफ हमारी मांगे पूरी करने के बारे में मीटिंग करेंगे बोल के, पर अभी तक ये लोग स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसीलिए आप एक जो 14 days, 15 days, 10 days में ये लोग जो नया टाइम टेबल छोड़ रहे हैं, इसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स के अंदर एक पैंडेमिक जैसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है। ना वैक्सीन मिल रही है, ना ऑनलाइन क्लास अच्छे से सुन पा रहे हैं, यहाँ एग्जाम की क्लियरिटी नहीं है। तो इसीलिए बच्चों में ये जो आतंक फैली हुई है इसको निकालने के लिए और बच्चों की तरफ यूनिवर्सिटी को स्टैंड लेना है, ये मांग करते हुए आज AIDSO स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट कमेटी की ओर से गुलबर्गा में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो हम अभी तक ये मांगे पूरी नहीं हुए हैं, अगर आगे भी ये मांग पूरी नहीं हुई तो पूरे गुलबर्गा के यूनिवर्सिटी वाले बच्चे सड़क पे उतर के इससे भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि इसके अलावा बच्चों के आगे कोई भी चारा नहीं है। आज गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के सामने बहुत बड़े पैमाने पे सभी स्टूडेंट्स, डिग्री, PG, डिप्लोमा सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे इकट्ठा होके बहुत बड़े पैमाने पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये यहाँ पे दो हम डिमांड्स रख रहे, पहली बात ये है कि पूरे के पूरे सभी स्टूडेंट्स को दो डोज ऑफ वैक्सीनेशन वो भी फ्री में देना चाहिए। ये होने के बाद आप चाहे वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हो और चाहे वो आप क्लासेस भी ले सकते हो, ये हमारा डिमांड है। अभी तक ओनली फर्स्ट डोज का ही सिर्फ 38% ऑफ वैक्सीनेशन हुआ है, ये एक बात है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स है ये। और साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि और सेमिस्टर का जो पुराने सेमिस्टर का जो एग्जामिनेशन है उसे कैंसिल कर देना चाहिए, हमारा मांग है। वर्ल्ड सेम का आप एग्जामिनेशन कैंसिल कर दीजिए और अब जो चल रहा है इवेंट सेमिस्टर का एग्जाम क्लासेस वो पूरी तरह से ऑफलाइन क्लासेस में लेके वो दोनों वैक्सीनेशन होने के बाद, वैक्सीनेशन करने के बाद आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लेने के बाद आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करो बोल के हम मांग कर रहे हैं। ये दो मांग है हम जो रख रहे हैं यूनिवर्सिटी के सामने, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले हैं
इसके बारे में क्या भी डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है। ये बहुत ही दिक्कत की बात है कि गवर्नमेंट हो चाहे यूनिवर्सिटी वाले हो, अभी तक स्टूडेंट्स के जो पैनिक सिचुएशन, मेंटल जो आतंक हो रहे स्टूडेंट्स, इसके बारे में अभी तक क्या भी डिसीजन नहीं ले पाया है। ये सरासर स्टूडेंट्स के मेंटल स्टेटस के साथ खिलवाड़ हुआ जा रहा है, इसे हम फाइट कर रहे हैं। इमीडिएटली आप एक तो डिसीजन लीजिए, दोनों एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं या नहीं तो नहीं, एक तो लेते हैं, बोलते इसके बारे में स्पष्ट क्लियरली आप बोलो तो बोलो, इसके बारे में हम मांग कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी वाले भी नहीं बोल रहे, गवर्नमेंट वाले भी नहीं बोल रहे, और साथ ही साथ सिर्फ एग्जाम फीस भरो और एग्जाम कंडक्ट करते हैं, हम दोनों कंडक्ट करके ही रहेंगे बोल के यूनिवर्सिटी का और गवर्नमेंट का रवैया है, इसे हम फाइट कर रहे हैं। और अब ये नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में इससे भी बहुत बड़े पैमाने पे स्टूडेंट्स लोग रोड पे उतर के यूनिवर्सिटी को घेराव डालने के लिए भी हम तैयार रहेंगे बोल के। अभी जो सर ने कहा क्या क्या यूनिवर्सिटी सर ने बोला कि मैंने अभी कुछ डिसीजन ले सकता हूँ, मतलब सर को भी सोचना चाहिए। अभी जस्ट सारे विद्यार्थी दो सेम के कैसे पढ़ सकते हैं क्या नहीं, अभी तो सारे विद्यार्थी होगा भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा से बच्चों के तो गांव से आते हैं, ना शहरों के कोई भी नहीं है यहाँ पे, सब बच्चों के पास फ़ोन भी नहीं है, ना ही सबके पास नेटवर्क दास है। अभी पिछले साल ही लॉकडाउन हुआ था, उसकी वजह से कोई किसी माँ बाप काम पे गए हैं, किसी माँ बाप काम पे नहीं गए, तो अभी सोचा चाहिए ना यूनिवर्सिटी को भी कि बच्चे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। अभी गवर्नमेंट को आगे क्या होना क्या नहीं, पहले से गवर्नमेंट लॉस में है, तो अभी बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बच्चों के पास ना कुछ भी है ना कुछ भी ये हो सकता है, उनका माँ बाप तो कमाते हैं, वो भी लॉकडाउन वजह से अभी कितना है क्या नहीं पता नहीं, सब बच्चे अभी तो ज़्यादातर माँ बाप घर में कुछ बच्चे खा रहे हैं या पी रहे हैं वो भी नहीं पता। अभी कुछ बच्चों के घर में देखे तो घर में मनी प्रॉब्लम हो जाता है, सारे बच्चों के अभी तो माँ के माँ बाप के लिए खुद कमाने जा रहे हैं, दूसरे से कंपनियों को जा रहे हैं। खुद मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं कमलापुर कॉलेज के, वो खुद अपने माँ बाप के लिए कमाए गए दूसरे से शहर जा रहे हैं, खुद अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकें। आप पढ़ाई के बारे में तो भरोसा किसी को रहा नहीं, आप कुछ यूनिवर्सिटी करेंगे तो सारे बच्चों को पढ़ाई के बारे में भूल सकेंगे, वरना सारे बच्चों को पढ़ाई से भरोसा उठ जाएगा। ये बात तो सच्ची बोल रहा हूँ मैं भी। डिमांड तो एक साथ बस यूनिवर्सिटी को सोच के समझ के फैसला लेना चाहिए जो बच्चों के लिए सही हो और सारे बच्चों के लिए ये करें।